नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ONGC स्टॉक को लेके। ONGC स्टॉक के बारे में जो अपडेट आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे ONGC स्टॉक के बारे में जो भी अपडेट्स आए हैं, हम लोग कोशिश किया आपको सब अपडेट जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पहुँचाने के लिए, और जितने भी अपडेट्स हैं हम लोग कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। अभी यहाँ पे 6 महीने से ONGC स्टॉक में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, वो हम लोग को बहुत जन को ऑलरेडी पता है। 6 महीने से स्टॉक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 72 से लेके स्टॉक जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 के आसपास पहुँच गया था, 90.95। उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक पे जो है एक डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला है। एक मंथ का भी देखते हैं, वन मंथ पहले देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस जो है 76.45 था। वहाँ से भी स्टॉक में जो है गिरावट कंटिन्यूसली चला है। आप देख सकते हैं स्टॉक में जो यहाँ पे 72 के आसपास पहुँचने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा जो है तेज़ी आया था 74.30, फिर से स्टॉक में यहाँ पे एक ज़बरदस्त डाउन टर्न हम लोग को देखने को मिला है। स्टॉक का प्राइस 66.65 के आसपास पहुँच गया था। उसके बाद फिर से इसमें थोड़ा बहुत अभी खरीदारी चल रहा है स्टॉक में, थोड़ा बहुत जो एक हम लोग बोल सकते हैं कि बाइंग अभी बना हुआ है। 5 डेज पहले का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, स्टॉक का प्राइस 69.85 के आसपास चल रहा था। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक में तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक गिरावट दिया है स्टॉक ने 67 के आसपास, 67.75 पहुँचा। उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक में हम लोग बोल सकते हैं एक मजबूती बनता हुआ दिख रहा है, 72.10 तक पहुँच गया था। यहाँ पे अगर आज का ग्राफ देखते हैं हम लोग तो आज के ग्राफ में जो है अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी बहुत जन सोचेंगे कि ONGC स्टॉक में अभी बात करने के लिए क्या है। तो ONGC स्टॉक जिन्होंने लेके रखा है या फिर जो इंटरेस्ट रखता है ONGC स्टॉक के बारे में, उनके लिए जो भी अपडेट्स आता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी यहाँ पे आज का अगर बात करते हैं आप देखेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वो करीबन जो है 0.66% के आसपास जो है लॉस में है। मतलब अभी जो है रिटर्न आज का जो अगर बात करते हैं 0.66 या फिर 0.60 के आसपास जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कोल इंडिया डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखेंगे तो वो भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। NTPC भी जो है वो भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बट ONGC का अगर हम लोग बात करते हैं तो ONGC में जो एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं 2 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था ONGC के बारे में और आपको बताया था कि शायद से ONGC स्टॉक में अभी एक तेज़ी आ सकता है थोड़ा समय के लिए। आप देख सकते हैं ONGC स्टॉक में अभी तेज़ी बना हुआ है। और एक दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था अदानी पोर्ट के बारे में। अदानी पोर्ट के बारे में हम लोगों ने टारगेट प्राइस दिया था 68-69 तक। आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट जो है 68 के ऊपर हिट हुआ है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टॉक का टारगेट प्राइस दिया है ऑलमोस्ट सब हिट हुआ है। चलिए अभी यहाँ पे ONGC का बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं आज का जो है ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। आज का स्टॉक का आप देखेंगे ओपन प्राइस है 69.30 पैसा, हाई प्राइस है 72.60 एंड लो प्राइस है 69.10 पैसे का। तो अगर आप ओपन प्राइस और हाई प्राइस का भी देखते हैं तो अगर आज के डेट में तो आज का जो अभी ट्रेडिंग चल रहा है तो आपको जो इसमें आराम से 2 रुपये के आसपास जो है 2-2.5 रुपये के आसपास रिटर्न मिल गया रहेगा। यहाँ पे अभी का अगर देखते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं स्टॉक जो है हम लोग ये लाइव में देख रहे हैं गूगल में 1.51% का जो है अभी यहाँ पे रिटर्न दे चुका है। एंड यहाँ पे अमाउंट बात करते हैं तो 1.05 पैसे का। तो अभी जो है हम लोग ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपके साथ गूगल से, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ईजी रहता है हम लोगों को सब इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो दोस्तों, ONGC स्टॉक में अभी जैसा चल रहा है या फिर जो अपडेट्स आ रहा है, हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि इसमें डाउन ट्रेंड ही देखने को मिले, आगे तेज़ी भी आ सकता है। तो इसमें आपको ख़रीदारी करना है नहीं करना है, फ़िलहाल तो अगर स्टॉक में और थोड़ा तेज़ी आए तो ही फ्रेश बाई करना चाहिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे अगर आप फ्रेश बाई करते हैं तो हो सकता है वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़े स्टॉक। तो चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं आगे जो इन्फॉर्मेशन आया है ONGC स्टॉक के बारे में या फिर जो अपडेट आया है ONGC स्टॉक के बारे में, वो एक बार देख लेते हैं। और उसके पहले NSE का भाई डेटा हम लोग देख लेते हैं कि NSE के डेटा में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे जो है हम लोग NSE के साइट पे आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो ट्रेडेड वॉल्यूम है, ट्रेडेड वॉल्यूम 2 करोड़ के ऊपर है, 2,62,56,856 का जो यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। फेस वैल्यू 5.00 का है।
एंड 52 वीक का हाई प्राइस हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 149.65 का जो है 52 वीक का हाई प्राइस है एंड 52 वीक का लो प्राइस है 50 रुपीज़ का। तो अभी यहाँ पे चलिए देख लेते हैं बाइंग क्वांटिटी एंड सेलिंग क्वांटिटी में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे बाई क्वांटिटी आप देख सकते हैं जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी बाई क्वांटिटी 24,44,154 का देखने को मिल रहा है एंड सेलिंग क्वांटिटी जो है यहाँ पे 42 लैक्स के आसपास है, 42,09,922। तो यहाँ पे अभी जैसा स्टॉक में अपडेट्स आ रहे हैं या फिर ONGC के, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया अभी जो गैस के प्राइसेस में रिड्यूस हुआ है उसके चलते ONGC को जो है अच्छा खासा एक लॉस हो सकता है या फिर हो रहा है या फिर स्टॉक में भी जो है गिरावट देखने को मिला है। अभी यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन क्या है अभी का। तो क्वांटिटी ट्रेडेड जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,55,74,530 का है, डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 60,91,710 का है। तो वही अगर हम लोग डिलीवरेबल क्वांटिटी और ट्रेडेड क्वांटिटी का परसेंटेज निकालते हैं वो लगभग जो है 23.82 के आसपास है। तो यहाँ पे अभी ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ONGC का अभी जो प्राइस है, छोटा स्टॉक है, उतना बड़ा स्टॉक तो नहीं है, छोटा स्टॉक है, छोटा अमाउंट का स्टॉक है, उसमें थोड़ा अभी तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं आगे का जो इन्फॉर्मेशन आया है वो क्या है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो है हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं जो आपको बताया ONGC के बारे में जो एक अभी अपडेट आया है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक्सॉन मोबिल एंड ONGC टू बिड जॉइंटली फॉर अपकमिंग ऑक्शन राउंड्स अंडर OALP। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ वो बिजनेस स्टैंडर्ड से देख रहे हैं, तो business.com में जाके आप भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जो अभी आया है, अमेरिकन एनर्जी जायंट एक्सॉन मोबिल जो है एनर्जी जायंट है अमेरिका का, एंड ONGC आर सेट टू जॉइंटली बीट फॉर द अपकमिंग 6th and 7th ऑक्शन राउंड्स अंडर द OALP। तो अमेरिकन जायंट कंपनी एनर्जी का एक्सॉन मोबाइल एंड ONGC जो है जॉइंटली जो है बिड में अपकमिंग जो बिड है 6th and 7th ऑक्शन का OALP का ओपन एक्रेज लिसनिंग पॉलिसी का, उसमें ये लोग जो है जॉइंटली जो है बिड होके ये पे देखने वाले हैं या फिर ऑक्शन पे जाने वाले हैं। द कंपनीज आर डिस्कसिंग द सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI, द लास्ट डेट फॉर व्हिच इज November 15। दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन ONGC इज एक्सपेक्टेड टू बैग 7 ब्लॉक्स अंडर द 5th OALP राउंड, व्हाइल 4 ब्लॉक्स लाइकली टू गो टू ऑयल इंडिया। तो यहाँ पे जो ONGC अभी जो ये अपडेट आया है उसके चलते ONGC ट्राई कर रहा है वहाँ का जो एक्सॉन मोबिल एक जायंट कंपनी उनके साथ मिलके बिडिंग में शामिल होने के लिए OALP का, जहाँ पे लगभग जो है 5 जो ब्लॉक्स है यहाँ पे वो है ऑयल का, इंडियन ऑयल का। तो यहाँ पे दोस्तों ONGC जो है कंटिन्यूस से ट्राई कर रहा है, और जैसे कि इसका पहले भी हम लोगों ने देखा बहुत सारे वीडियोज़ में ONGC जो है ऐसा भी कोशिश कर रहा है कि जो है कुछ अमाउंट जो है लिया जाए और उसको बिजनेस को और अच्छा कैसा किया जाए। तो कंटिन्यूसली ONGC की ओर से भी कोशिश चल रहा है, और ऐसे क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने कंपनीज देखा है जहाँ पे डाउन ट्रेंड में गया है बट उसके ओर से कुछ इतना स्टेप नहीं लिया जाता है, बट ONGC यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है कोशिश कर रहा है बिजनेस को आगे लाने के लिए। ONGC में जो भी गिरावट आया है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि बाहर के जो, जैसे कि पहले आपके साथ शेयर किया था बाहर के कंपनी में जहाँ पे ये लोग कुछ प्रोजेक्ट्स पे ऊपर काम किया था वहाँ पे उन लोगों का पैसा रोक दिया गया, उसके चलते भी ONGC को लॉस हुआ और स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिला है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो अभी जो ऑयल का या फिर गैस का जो है प्राइस कम हुआ है उसके चलते भी ONGC स्टॉक में गिरावट आया है। बट अभी अगर आज का, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा समय पहले ग्राफ में देखा है, अभी अगर आज का हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर जैसे कि IOC स्टॉक में भी जो है गिरावट देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही ONGC के जैसे भी स्टॉक्स है उसमें जो है गिरावट देखने को मिल रहा है, बट ONGC में जो है अभी थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को हम लोग को मिल रहा है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि स्टॉक में आपको अभी खरीदारी करना चाहिए या फिर फ्रेश बाई करना चाहिए, तो फिलहाल ये स्टॉक पे थोड़ा और तेज़ी आए तो आप फ्रेश बाई कर सकते हो, और अगर आपने स्टॉक लेके रखा है तो फिलहाल हम लोग को लग रहा है कि स्टॉक में जो है थोड़ा समय के लिए होल्ड करके देख सकते हैं आप, हो सकता है आगे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। ये सिर्फ एक हम लोग का जो है एक ओवरव्यू है, सजेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर होल्ड आपको ही मतलब होल्ड करना ही है। दोस्तों आपको भी खुद से एक बार जो है रिसर्च कर लेना बहुत ज़रूरी है, और आपको जो भी अभी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है उसका अगर लिंक चाहिए तो कमेंट कीजिए वीडियो में, हम लोग जरूर इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे दोस्तों। तो वीडियो के आप ही कंप्लीट करते आशा करते जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पिनॉइज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।